हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध बाबा नरसिंह मंदिर में दुर्गा पूजा शारदीय उत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये दुर्गा पूजा 9 दिन तक चलेगी। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा ने विधिवत पूजन अर्चना करके कलश स्थापना करके नवरात्र पूजन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये नवरात्र पूजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और कोविड-19 महामारी के चलते सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। उन्होंने यात्रियों से भी अपील की है कि वे माता की पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आए, पूजा अर्चना में भाग लें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क लगाकर आए। बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर के मशहूर धार्मिक स्थल बाबा नरसिंह मंदिर में हर वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। 9 दिन तक ये दुर्गा पूजा चलती है, जिसमें हर वर्ष भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसका परिवार इस पूजा अर्चना में भाग लेता है और अंतिम दिन भंडारे के आयोजन किया जाता था, लेकिन महामारी के चलते इस बार कलश स्थापित करके ही दुर्गा पूजन किया जाएगा और अंतिम दिन विधिवत रूप से माता की मूर्ति को गोविंद सागर झील में विसर्जित किया जाएगा। शारदीय नवरात्रे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर सबकी रक्षा करे, सबको स्वस्थ रखे और विश्व को कोरोना मुक्त करे। इसी प्रार्थना के साथ दुर्गा पूजा समिति के द्वारा कलश स्थापना और ज्योत जला के शारदीय नवरात्रे का शुभारंभ धौलरे मंदिर में किया गया और सभी नियमों का पालन करते हुए 9 दिन ज्योत की पूजा और कलश स्थापना के साथ इस कार्यक्रम को हम संपन्न करेंगे। मैम, श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? श्रद्धालुओं के लिए यही संदेश है कि जो नियम हम सबके लिए है उसका पालन करें, मास्क अवश्य पहने, दूरी बनाए रखें, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें और कम से कम चीज़ों को स्पर्श करें, जिससे कि हम इस महामारी से अपने आप को बचा सकें और लोगों को बचा सकें। और हमारी यही प्रार्थना रहेगा कि दर्शन करके सभी अपने अपने घरों को चले जाएंगे, इसीलिए हम इस सबसे अपने आप को बचा सकेंगे।